अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? आज है जी मेरी बेटी की सेकंड बर्थडे, जो माशाल्लाह से वो 2 साल की हो गई है। तो इस खुशी में हमने छोटी सी पार्टी की थी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जी खाना। तो यहाँ मैंने लिया है सौंफ और धनिया, ये 2 बड़े चम्मच मैंने लिए। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच जो है 1 छोटा चम्मच हम लेंगे जी लौंग है, दालचीनी है, साबुत गर्म मसाला हम सारा ले लेंगे, बड़ी इलायची है, बादियान फूल है, गोल वाली मिर्चें हैं, लौंगिया मिर्च, तेज़पत्ता, और यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज और अदरक लहसुन, ठीक है। और यहाँ मैंने लिए हैं आलू, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए मैंने आलू भी इसी में ऐड किए हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं जी इसकी यखनी, कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो इस बार थोड़ी ज़्यादा बनी है तो आपको वो अंदाज़ा हो जाए। तो चलें, यहाँ जो है हमने सारा गरम मसाला, प्याज, लौंगिया मिर्च, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून के करीब नमक भी हम इसी में ऐड करेंगे। और जी चलें, सारा कुछ डालने के बाद मुर्गी भी इसी के अंदर, चिकन जो हमने गोश्त में ऐड करना है इसी में ऐड करके आपने अच्छी तरीके से इसको 2-3 बार उबाल लेना है, ताकि उसकी यखनी अच्छे से बनाए। तो जहाँ यखनी बन रही है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बता देती हूँ जी, टमाटर 2 अदद मैंने काट लिए हैं, 30 अदद मैंने यहाँ पे जो है हरी मिर्चें लिए, क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं और पुलाव ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पे 1 किलो जितनी जो है वो दही है, और थोड़ा बहुत गर्म मसाला मैंने और लिया है, ज़ीरा है, पुलाव ज़ीरा है, और इलायची है, गोल लौंगिया मिर्च है, तेज़पत्ता, और ये सब चीज़ें इसमें डलेंगी। और ये है पुलाव मसाला, पुलाव मसाला जो है हमने 2 पैकेट इसमें हम ऐड करेंगे। यखनी जो है हमारी रेडी है, और प्याज हमने जो है यहाँ पे ब्राउन करने के लिए रख दी है। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, टाइम बहुत ही कम था, तो प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इसमें ऐड करेंगे जी 2 टमाटर जो हमने कट किए थे, इसे हमने थोड़ा सा भून के, और जो मसाला हमने रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लेंगे, वो जले ना। दही के अंदर ही आप 2 पैकेट, यहाँ मैंने जो बनाया है वो 2.5 किलो की बिरयानी थी है, तो यहाँ मैंने 2 अदद पैकेट इसमें ऐड किए हैं पुलाव मसाले के। तो बस यहाँ हमने ये ऐड कर लिए है, और जो गरम मसाला हमने लिया था वो भी हम इसी में ही ऐड करेंगे। और जी हरी मिर्चें जो मैंने ली थी, थोड़ी मैंने रख दी थी, मुझे ज़्यादा लग रही थी, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं दोबारा ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो जी यहाँ जो है मैंने चख लिए थी, तो नमक थोड़ा कम था, नमक भी मैंने इसी में ऐड कर लिया 1 टेबल स्पून के करीब, और मिर्चें मुझे कम लगी थी, मैंने दोबारा वो जो रखी थी वो ऐड कर ली थी। तो यखनी हमारी रेडी थी, चिकन मैंने निकाल दी थी, और यखनी भी है जो है हम इसी में ऐड करेंगे। देखिए चावल जो है मैंने 2 घंटे भिगो दिए थे, और अच्छी तरह से इसे धो लिए हैं, और यहाँ पर जो है बॉयल आ गया है चावलों का, तो आप अंदाजे से इसमें नमक ऐड कर लें अपने चावल के हिसाब से, और एंड में धनिया पुदीना ये सब इसी में ऐड कर लें, और हल्का सा चम्मच ला लें, क्योंकि चिकन है वो बिल्कुल गल जाएगी। तो चलें, बस ये रेडी होने ही वाली है, बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनेगी ये। तो देखें यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जी बिरयानी एसेंस, 2-3 बूंद आप इसमें डाल दें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि उसका जायका चेंज हो जाएगा। चलिए, तो बस इसे हमने दम पे रख दिया है, और माशाल्लाह से देखें इसका, बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी थी, घर वालों को बहुत पसंद आई, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और माशाल्लाह से मेरी बेटी की 2nd बर्थडे थी, 1st बर्थडे हम लोगों ने सबको बुलाया था, वो बड़ी मतलब दावत थी उसमें। इस दफ़ा जो है मेरी बहनें और मेरी छोटी कज़न्स वगैरह आई थी घर पे मम्मी के यहाँ से, तो बस मैं यहाँ पे कर रही थी, तो मेरी सिस्टर आ गई थी, तो फिर हम लोग थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, तो ये लोग जो है थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं। तो देखें ज़बरदस्त सा डेकोरेट उन्होंने कर लिया है माशाल्लाह से। छोटी सी पार्टी आप घर में करें तो मतलब एंजॉय हो जाता है, मज़ा आता है, घर पे डेकोरेट करके करें तो ज़्यादा एंजॉय होता है। और केक भी जो है हमने ऑर्डर कर लिया था, केक भी आ गया है,
तो केक भी हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा है केक। तो जी यूनिकॉर्न स्टाइल केक था। यहाँ हर चीज़ रेडी हो चुकी है और मेरी बेटी तैयार हो रही थी, मैं उसे तैयार कर रही थी जब तक मेरी सिस्टर जो है वो वीडियो बना रही थी। तो लीजिए माशाल्लाह से मेरी बेटी तैयार होके आ गई है और ना इसे शूज़ पहनने थे ना इसे चूड़ियाँ पहननी के मैं पहना रही थी, उसे कुछ भी नहीं पहनना था, गर्मी बहुत थी और बस ये इंजॉय कर रही थी, इसे तैयार करना था पर ये बस का मूड जो है वो ऑफ हो गया था। तो बस चलिए यहाँ करते हैं स्टार्ट बर्थडे पार्टी। आई होप आप लोग सब इंजॉय कर रहे हैं।